इंदौर में तिहत्तरवीं राष्ट्रीय गोताखोर प्रतियोगिता के अंतर्गत इंदौर के लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर में 3 दिवसीय गोताखोर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के 16 राज्यों से प्रतिभागी आए हैं। इन प्रतियोगिता में चयनित प्रतियोगी जूनियर एशियन गेम में भी भाग ले सकेंगे। लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर में आयोजित गोताखोर प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से तैराक आए और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को हाईबोर्ड डाइविंग गोताखोरी का मुकाबले में भाविका पिंगले इंदौर की बालिका ने मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हुए कांस्य पदक जीता और सोमवार को 3 मीटर डाइविंग गोताखोर प्रतियोगिता में इंदौर के खिलाड़ी जो कि रेलवे का प्रतिनिधित्व करते हैं गौरव राठौर ने कांस्य पदक प्राप्त किया। साथ ही हाल ही में होने वाले साउथ एशियन गेम जो भाग ले सकेंगे उन खिलाड़ियों का चयन भी इसी प्रतियोगिता के द्वारा किया जाएगा। प्रतियोगिता में करीबन 72 से ज़्यादा 75 के करीब ये नेशनल चैंपियनशिप है जो 2019 की ओपन नेशनल होती है वो है और उसमें देश के करीबन ज़्यादा करके जो आगे जूनियर एशियन चैम्पियनशिप होने जा रही है उसका सिलेक्शन भी इसमें से होना है। तो करीबन 5 से 6 ड्राइवर इसमें से सिलेक्ट होंगे जो अगले सितंबर के एंड में बेंगलोर में होने जा रहे हैं। ये 73वीं राष्ट्रीय गोताखोरी प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 31 से 4 तारीख तक मध्य प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें गोताखोरी का जो प्रतियोगिता है वो 1 से 3 तारीख तक लक्ष्मण सिंह चौहान तरणपुष्कर मोनाका इंदौर में आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में कल हाईबोर्ड डाइविंग के गोताखोरी के मुकाबले हुए, जिसमें भाविका पिंगले मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए इंदौर की लड़की ने ब्रॉन्ज मेडल अर्जित किया। और आज 3 मीटर की डाइविंग प्रतियोगिता का आयोजन था जिसमें गौरव राठौर इंदौर के खिलाड़ी हैं जो मध्य प्रदेश का रेलवे का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। और यहाँ से जो चयनित खिलाड़ी होंगे वे अभी साउथ एशियन गेम्स में जो हाल ही में आयोजित होने वाली उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे।